तहिल से शुक्रिया सभी को, बिकॉज हमने बहुत प्यार से गाना बनाया है और आपका इतना प्यार देखकर इट इज एब्सोल्युटली ओवरवेलमिंग. थैंक यू फॉर द रिस्पॉन्स. थैंक यू. बहुत अच्छा. हालांकि हम अभी ऐसे आमने सामने रूबरू नहीं हो पाए बिकॉज ऑफ आर शूटिंग्स एंड वर्क स्केड्यूल्स, बट जितना भी उनसे लाइव सेशन में बात हुई, जितनी भी उनसे हमने एक नॉर्मल कम्युनिकेशन वगैरह की, ही कम्स अक्रॉस एज अ फैंटास्टिक गाय. और उनकी वो जो खूबसूरती, दिल की खूबसूरती उनकी आवाज़ में मतलब ऑटोमेटिकली झलकती है. सो ही इज़ अ वेरी गुड आर्टिस्ट. थैंक यू. मुझे ना ऑनेस्टली मुझे तैयार होने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता है. इट्स जस्ट गर्मी हो तो टिश्यू पेपर से डैप कर दो, पसीना ज़्यादा आए तो पाउडर लगा दो, फिनिश. और गाने की बात करें तो गाना बहुत ही अच्छा है, सर के साथ आपने किया है, मतलब रोमांटिक गाना लग रहा है और चाय के साथ मस्ती हो रही है, रोमांस हो रहा है, क्या कहना चाहिए? ये ना रोमांस ओवर द कप ऑफ टी है. सो चाय का जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण किरदार है पूरे गाने में. और कैसे एक छोटा सा लव स्टोरी एक छोटे से शहर की सभी के दिलों को छूती है. सो दैट्स अबाउट द सॉन्ग. जब पूरा दिन मैं इंतज़ार करती हूँ और मैं देखती हूँ कि अभी तक वो आए नहीं है और क्यों नहीं आए, क्या हुआ, एंड सडनली नेक्स्ट मॉर्निंग मैं देखती हूँ, सो यू नो दैट स्माइल दैट कम्स एंड यू नो वो अपना हाथ ऐसे उठाते हैं. सो मतलब इट इज़ लाइक ओ माई गॉड कंसर्न एंड दैट टू लव एंड दैट टू शाइनस एंड दैट टू यू नो एक्साइटमेंट ऑफ लुकिंग एट हिम. सो वो इतने सारे इमोशंस एक साथ वो 10 सेकेंड में जो दिए हैं और जो किया था, सो इट वॉज लाइक वन ऑफ माई फेवरेट सीन्स ऑल्सो एंड इमोशनली ऑल्सो काफ़ी सारे ट्रांजिशन एक साथ ही थे. सो आई मीन दैट वॉज माई फेवरेट सीन. किसके बारे में? लोकेशन मलेरकोटला पंजाब में, बहुत ही सुंदर जगह है. और हमने जब लोकेशन पहली बार देखी, हम जब शूट कर रहे थे, अपने आप वो गाना मैं विजुअलाइज कर पा रही थी कि कैसे वो गाना बनेगा, एंड ट्रस्ट मी जैसा सोचा था वैसा ही गाना बना है. और बहुत मज़ा आया शूटिंग करके. हाँ वो उन्होंने कहीं ना कहीं वो हिंट दिया कि मुझे लाल पसंद है, तो मैंने फटाफट से यू नो आई पिक्ड अप द लाल सलवार कमीज. रुबीना मैम, देश में काफी खुशी का दिन है कल से, अगर हम बात करें इन दिनों लगातार हॉकी हो या गोल्ड मिला है नीरज चोपड़ा के द्वारा, क्या कहना चाहेंगे उसको लेके, देश गौरव. आई मीन देश के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही बड़ा एक मोमेंट है. और आई मीन एज अ इंडियन ऑल्सो आई फील सो प्राउड. और वैसे भी आप कोई भी गेम उठाकर देख लीजिए, इंडिया इज़ यू नो कमिंग अक्रॉस वेरी स्ट्रॉन्ग एंड आई एम प्राउड टू से दैट इंडिया एज अ कंट्री इज़ प्रोड्यूसिंग सच स्ट्रॉन्ग एथलीट्स. और हम हर क्षेत्र में अपने आप को जगह जगह जाकर एक परिपूर्ण रूप से दर्शा रहे हैं. सो आई थिंक एज अ नेशन इट इज़ लाइक अ मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर ऑल ऑफ अस. जी मुझे मज़ा टेलीविज़न पर आता है, बट ऑफकोर्स ओ टी टी पर लाइव आ रहा है 24/7 होगा, जैसा मेरा सीजन था 24/7 लाइव था. सो ओ टी टी पर इस बार सुनने में आ रहा है दैट यू नो इट्स गोना बी डिफरेंट एंड समथिंग मोर क्रेजी. सो आई थिंक आप सभी दर्शकों को मज़ा आने वाला है और वूट पर आप लोग जो हैं लगातार 24 घंटे देखते ही रहेंगे, ये मेरा भी दावा है. ओ यस, करण सर इज होस्टिंग. आई मीन आई लव हिज विट एंड आई लव हिज ह्यूमर. हेलो, देखो वी फाइनली मीट. कांग्रेचुलेशंस. कांग्रेचुलेशंस. आई एम गुड. ही इज आल्सो जॉइनिंग अस. या मुझे बैठना है. अंदर ले लो यार. रुबीना मैम,
मैम आ जाइए, अंदर आइए मैम, मैम अंदर आ जाइए। अरे इधर कचरे में फोन रख दीजिए। ले अंदर आ जाइए मैम। कंग्रेचुलेशन 10 मिलियन। केयरफुल प्लीज, पानी है। संभल के सभी। देखना अरे क्या कर रहे हो? अरे काजी मत है, उस तरफ जाओ। हाँ हाँ अरे पहले फोटो कर लेते हैं। अरे उधर कर रहे हैं, उधर कर रहे हैं। अरे इधर आइए, अरे अरे पहले फोटो कर लेते हैं फिर वीडियो कर। चलो वीडियो बना लेंगे एक बार। मैं इधर आइए, इधर आइए, चलो आइए। यार अभी पहले से मैं कंग्रेचुलेशन रुबीना जी, सेंटर सेंटर मेरे पास देखा ही नहीं। इधर फर्स्ट।